हेलो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो एसएससी जीडी में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में, उनको कवर करेंगे सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें हम लोग बहुत सारे क्लास में कर चुके हैं, जैसे अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी के नाम से, आप प्लेलिस्ट में सारे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको रीजनिंग की भी क्लास इसमें दिया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया गया है ना, आप उनको देख सकते हैं। ब्लड रिलेशन भी मैं रीजनिंग में करवा रखा हूँ, है ना, बेसिक कंसेप्ट है कि ब्लड रिलेशन कैसे बनाना है ना, तो उनको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो देर ना करते हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें सामान्य हिंदी में, मुहावरे स्टार्ट करेंगे। ओके, मुहावरे स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2019 में और 21 में जो हुए थे उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग मुहावरा स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखते हैं आज इसमें देखेंगे हम लोग टॉप 150 जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन आपको रिपीट जरूर करेगा, है ना, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है भविष्य की बात को जान लेना, सेकेंड ऑप्शन है अंधे को सोने मिल जाना, सी ऑप्शन है एकाएक लाभ होना, डी ऑप्शन है हानि होना। तो देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका जो मुहावरा सही होगा कौन सा हो जाएगा, इसका एकाएक लाभ होना, एकाएक लाभ होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ओके, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है बेकार का काम करना, पछताना, मालिश करना, हाथों को गर्म करना, तो इसका क्या होगा, पछताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पछताना होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ, मुहावरा का आपको सही अर्थ बताना है। तो कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना, मेल ना होना, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध होना, घनिष्ठ संबंध होना, चोली दामन का साथ होना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो फोर है, इसमें देखते हैं टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। अगला देखते हैं 9-2-11 होना, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, 9-2-11 होना, भाग जाना, आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, फाइव हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। सिक्स बोल रहा है कि मुंह की खाना, मुंह की खाना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ओके, बुरी तरह से हारना, बुरी तरह से हारना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कल पढ़ना मुहावरा का क्या अर्थ है? कल पढ़ना, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना, चुप रहना, तो क्या हो जाएगा, इसका चैन मिलना, चैन मिलना, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी होगा। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ, बोला हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना का मुहावरा का क्या अर्थ है? भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना, गुस्सा होना, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, इसमें क्या है, भय से घबराना, हाथ पांव फूलना मतलब भय से घबराना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन,
लाल पीला होना, लाल पीला होना, विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा करना और प्रसन्न होना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा करना, लाल पीला होना मतलब क्या हो जाएगा इसका, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें टूट पड़ना, टूट पड़ना इसका क्या अर्थ है, है ना, सेना तैयार करना, आक्रमण कर देना, टूट पड़ना मतलब क्या होगा, आक्रमण कर देना, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से भी 10 क्वेश्चन देखें। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना। तो इसका पहला ऑप्शन है क्रोधित होना, प्रतिकूल होना, गुस्सा कर होना और धोखा देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकूल होना। ओके, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 देखते हैं, ढाक के तीन पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें, ढाक के तीन पात। ओके, ये आपको मुहावरा दिया हुआ है, इसका सही अर्थ क्या होगा, परिवर्तन ना होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, किसी प्रकार का कार्य। ओके, तो यहाँ समझे ढाक के तीन पात, तो क्या होगा यहाँ पे, परिवर्तन ना होना, परिवर्तन ना होना। ओके, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना, लड़ाई करना। ओके, तो इसमें क्या है, बकवास करना, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना। तो पहला क्या है, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना, कार्य करना, असाधारण कार्य। ओके, तो इसका कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डंके की चोट पर कहना, इसका अर्थ बताना आपको, डंके की चोट पर कहना। ओके, मतलब इसका मतलब खुलेआम कहना। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, खुलेआम कहना। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अटखेलियाँ सूझना, अटखेलियाँ सूझना का अर्थ बताना है। ओके, तो मजाक करना, दिल लगी करना, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी और डी में देखते हैं। सी और डी में यहाँ पे क्या है, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय अनुभव। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, 16 का, 16 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दिल लगी करना, अटखेलियाँ सूझना मतलब दिल लगी, दिल लगी करना। ओके, आंसर बी हो जाएगा। चल दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इसमें क्या बताया है, गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें, कीमती वस्तु, पहला ऑप्शन है कीमती वस्तु, असंभव कार्य, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय अनुभव, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें क्या अवर्णनीय अनुभव, गूंगे का गुड़। ओके, आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18-18 है, गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है, बदलना, बदलना निकालना, बदलना निकालना। ओके, अच्छी प्रकार याद करना, प्रतिरोध लेना और रस्सी बांधना। ओके, तो अच्छी प्रकार याद रखना, गांठ बांधना मतलब अच्छी प्रकार याद रखना। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आँखों से गिरना मुहावरे का क्या अर्थ है, निगरानी करना, ध्यान से हट जाना और आदर भाव घट जाना, बहुत प्यार होना। ओके, क्या आदर भाव घट जाना, इसका क्या हो जाएगा, आदर भाव घट जाना, आँखों से गिरना, आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन आपका SSC GD 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लहू का घूंट पीकर रह जाना, इसका बताना आपको, मुहावरा बताना है। ओके, तो लहू का घूंट मतलब पह जाना, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, क्रोध करना, डर जाना, क्रोध शांत होना, अपमान सहन कर लेना।
ओके, तो इसे क्या आता है, घूट कर पी जाना, मतलब ये अपमान को सहन कर लेना। आंसर आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होगा? ओके, देखिए पहला ऑप्शन है हीन होना, सुलभ होना, दुर्लभ होना और अमीर होना। देखिए गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, उड़ती चिड़ियाँ पहचानना। उड़ती चिड़िया को पहचानना, ये इसका दिया है मुहावरा, इसका अर्थ बताना है। ओके, तो इसका अर्थ अगर बताते हैं है ना, तो दूसरे के मन की बात को जानना, इसका आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ओके, 23 बोल रहा है मैदान मारना। मैदान मारना का अर्थ क्या है? ओके, संघर्ष करना, लड़ाई जीतना, भाग जाना और जमीन नापना। तो इसका क्या हो जाएगा, लड़ाई जीतना। ओके, क्या हो जाएगा, लड़ाई जीतना, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डकार जाना, हानि उठाना, हड़प लेना, खुलेआम कहना और कठिन काम। ओके, इसमें क्या है, हड़प लेना, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सारे कुछ पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इसका अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। पेट में चूहा कूदना, आटा गीला होना, दाने दाने को तरसना, मुंह उतरना। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या हो जाएगा, दाने दाने का तरसना, दाने दाने को तरसना, इसका आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी होगा। ए 25 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, चैन की वंशी बजाना। मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है बांसुरी बजाना, खाली बैठना, बेरोजगार होना और मौज करना। ओके, तो यहाँ क्या पूछा है, चैन की बंसी बजाना, आपका क्या हो जाएगा, मौज करना, आंसर डी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, होम कर देना। मुहावरे का अर्थ बताना, होम कर देना। पहला जो ऑप्शन है हवन करना, संकेत करना, नष्ट कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, होम कर देना, इसको बताना है आपको। तो इसमें होगा नष्ट कर देना। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोल रहा है बट्टा लगाना। ओके, बट्टा लगाना, झूठ बोलना, पहला ऑप्शन क्या दिया है, झूठ बोलना, सम्मान होना, कलंक लगाना और अपमान होना। ठीक है, इसे क्या है, बट्टा लगाना मतलब कलंक लगाना, आंसर सी आपका होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, कदम उखाड़ना का सही अर्थ बताना आपको, कदम उखाड़ना। ओके, तो इसका आपको सही अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है आपका तैयार होना, तैयार होना, भाग खड़े होना, झगड़ा होना और खुश हो जाना। ये चार ऑप्शन दिए हूँ आपके पास। ओके, तो इसका करेक्ट आपका आंसर क्या होगा 29 का, है ना, आप यहाँ देखेंगे तो क्या होना, भाग खड़े होना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग खड़े होना, आंसर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, बहुत पछताना, बेमेल काम करना, क्रोध से अपने बस में ना रहना, घर से निकल जाना। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो क्या है कि आपे से बाहर होना मतलब क्या हो जाएगा आपको, क्रोध से अपने बस में ना रहना। ओके, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उसे विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारना का सही अर्थ है। क्या आप दिया है यहाँ पे, मक्खियां मारना। ओके, ये मुहावरा दिया है, बेकार बैठना, काम में लगे रहना, मक्खियों को तंग करना, मक्खियों को मारना। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या बेकार बैठे रहना, बेकार बैठना, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है गंगा नहाना। मुहावरे का अर्थ है क्या है, इसका अर्थ खूब मेहनत करना, तीर्थ यात्रा करना, कठिन कार्य पूरा करना, धार्मिक हो जाना। ओके, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना।
तो इसमें क्या है कि गंगा नहाना मतलब क्या हो जाएगा, इसका मुहावरा का अर्थ होगा कठिन कार्य पूरा करना, कठिन कार्य पूरा करना, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32-33 बोल रहा है, भैंस के आगे बीन बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ है, भैंस के आगे बीन बजाना। ओके देखिए पहला ऑप्शन दिया है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना, भैंस के सामने संगीत गाना और भैंस को बीन पर नचाना। तो ये देखिए दोस्तों इसका जो शाब्दिक जो अर्थ है मुहावरा का जो अर्थ होगा क्या होगा, है ना, समझदार के सामने मूर्खता की बात करना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मक्खन लगाना, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, मक्खन लगाना। ओके पहला ऑप्शन है कंजूसी करना, चापलूसी करना, बेकार बैठना, मक्खन लगाकर खाना। ओके मक्खन लगाकर खाना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चापलूसी करना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। एक ही राग अलापना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। ओके चार ऑप्शन देखते हैं, इसका चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओके एक ही बात बार बार करना, सुर में सुर मिलाना। ओके पहला ऑप्शन क्या है, एक ही बात बार बार कहना, सुर में सुर मिलाना, कोई बात एक ही बार कहना, कोई बात एक साथ कहना। ओके तो इसका बाद एक ही बात को बार बार कहना होगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, रंगा सियार। ओके पहला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रंगा सियार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ओके ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, धोखेबाज रंगा हुआ सियार एक समान सुंदर सियार। ओके तो दोस्तों धोखेबाज होगा इसका आंसर, क्या होगा, धोखेबाज। ओके क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ बताना आपको, अनियंत्रित करना, नाक में नथ पहनाना, परेशान करना, नियंत्रण में करना। ओके तो क्या हो जाएगा इसको, नाक में नकेल डालना मतलब इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसके मुहावरे का अर्थ होगा आपको नियंत्रण में रख करना। ओके नियंत्रण में करना, नियंत्रण में रखना। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कांटों पर लोटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ओके कांटों पर लोटना, ध्यान से देखिए सारे एग्जाम में पूछे हुए, ये आपका 2021 का है क्वेश्चन। ओके पहला ऑप्शन है संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। तो दोस्तों क्या होगा, बेचैन होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेचैन होना, आंसर सी होगा, कांटों पर लोटना मतलब बेचैन होना। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, हरी झंडी। ओके पीछे होने का संकेत देता, हरियाली होने का संकेत देना, पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी दिए हुए हैं। ओके तो क्या होगा, आगे बढ़ने का संकेत होता है ना, हरी झंडी दिखाना, ठीक है, रेड जो सिग्नल होता है वो, आप यहाँ से आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि जो हरी झंडी दिखाना मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, प्रोसीड होना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो त्रिशंकु होना इसको बताना है, त्रिशंकु होना मुहावरा। ओके अधर में लटकना, संकालु होना, सब जगह रहने वाला और इधर उधर हो। तो अधर में लटकना त्रिशंकु होना। ओके आंसर इसका ए होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, सांप सूंघ जाना इसका क्या अर्थ होता है मुहावरे का, सांप सूंघ जाना। ओके चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, है ना, 41 का अगर ऑप्शन देखेंगे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दुखी हो जाना पहला क्या है, दुखी हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना एकदम चुप हो जाना, प्रसन्न हो जाना, सांप को सूंघ कर जाना, ठीक है, सांप को सुनकर जाना, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके
देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, है ना, करेक्ट आपका क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, निश्चेष्ट हो जाना, एकदम चुप हो जाना, सांप सुलाना मतलब एकदम चुप हो जाना, निश्चित हो जाना, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर, देखिए 42 क्वेश्चन क्या है, सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना, तो इसके पास चार ऑप्शन, धीरे धीरे चलना, पांव सिर के ऊपर रखकर भागना, और बहुत तेज कूदना, बहुत तेज भागना। ओके, बहुत तेज कूदना, बहुत तेज भागना। ओके, तो क्या होगा, बहुत तेज भागना, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत तेज भागना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको, असंभव कार्य, कार्य टेढ़े होकर खीर खाना, खीर खराब होना, कार्य का बहुत कठिन होना, कार्य का बहुत कठिन होना। तो देखिए दोस्तों, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्य का बहुत कठिन होना, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, ओके, कार्य आरंभ करना, श्री गणेश का पूजा करना, है ना, पालन करना, कार्य संपन्न करना, कार्य संपन्न करना, तो किसी कार्य को आरंभ करना, तो कार्य आरंभ करना श्री गणेश करना होता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, मुहावरा का आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है, लोहे से निर्मित चने खाना, बहुत कठिन कार्य करना, अच्छा कार्य करना, और सरल कार्य करना। क्या करना है, सरल कार्य करना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कार्य, बहुत कठिन कार्य करना, आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर बी होगा 45 का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना, क्या दिया है, रूह कांपना मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत सर्दी लगना, और बहुत निडर, बहुत निडर होना। ओके, तो निडर तो होगा नहीं, बहुत कांपना, रूह कांपना में निडर तो होगा ही नहीं, ठीक है, पहला तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, बच के तीन ऑप्शन, ए बी और सी, ठीक है, तो इसका बहुत डरना होगा, ठीक है, रूह कांपना मतलब बहुत डरना, ठीक है, आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, मुंह फुलाना, क्या बोला है, मुंह फुलाना, मुंह फुलाने का देखते हैं क्या होता है, अप्रसन्न होना, सूजन आना, मुंह सूजाना, और मुंह में हवा भर जाना, मुंह में हवा भर जाना, तो क्या होता है, अप्रसन्न होना, मुंह फुलाना मतलब नहीं होता कोई गुस्सा होता तो मुंह फुला लेता है, अप्रसन्न मतलब खुश नहीं है, तो क्या होगा, आंसर ए होगा, अप्रसन्न होना। नेक्स्ट है 48 में, बाएं हाथ का खेल होना, बाएं हाथ का खेल होना, आसान कार्य, मुश्किल कार्य, बाएं हाथ से खेलना, और असंभव कार्य, असंभव। ओके, नहीं बोलता कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल मतलब आसान कार्य है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना इसका बताना है। जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना, सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जान को हथेली के ऊपर रखना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, जीवन को संकट में डालना, जीवन को संकट में डालना आपका हो जाएगा ए, आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, पिंड छुड़ाना, क्या दिया है, कौन सा शब्द दिया है, पिंड को छुड़ाना, पिंड छुड़ाना। ओके, पीछे पड़ना, पीछा छुड़ाना, पीछे लगाना, और पीछा करना, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, होगा पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना, इसका आंसर होगा पिंड छुड़ाना, छुड़ाना। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन लगता है 51, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, ओके, रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना, क्या है, घी लाना। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, खुशी मनाना, खुशी मनाना, घी के दिए जलाना, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ का विकल्प हो, है ना, अंक भरना, क्या दिया है, अंक भरना, तो रो पड़ना, गले लगाना, है ना,
अंक भरना मतलब इसका आंसर क्या होगा, गले लगाना, गले लगाना आंसर बी होगा। ओके क्या होगा, अंक भरना मतलब गले लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, है ना। इसका ऑप्शन थोड़ा था बदल जाना और मूर्ख बनाना, ठीक है। तो क्या होगा, इसका 42 हो गया, 52 हो गया, देखते हैं 53 देखते हैं। 53 बोल रहे हैं, है ना, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, इसको बताना है, इसको घाट घाट का पानी पीना। ओके, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। तो बोलता है घाट घाट का पानी पिया हुआ है ना, ऐसे जनरली लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। ओके, नेक्स्ट है गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना। ओके, गुड़ गोबर कर देना, है ना, उसको बताना है। तो कोई बखेड़ा खड़ा करना हो, करना गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना, अपने हानि करके मौज उड़ाना। ओके, क्या जो है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, बना बनाया काम का करना है, बिगाड़ देना, इसका आंसर सी होगा, गुड़ गोबर कर देना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, हथियार डाल देना, क्या दिया है, हथियार डाल देना। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार मान लेना, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, हार मान लेना। आगे बढ़ते हैं 56 में, शोक करने करना, क्या करना, शोक करना। ओके, तो शोक करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोक करना, तो सिर पीटना, क्या हो जाएगा, सिर पीटना, शोक करना मतलब इसका मुहावरा क्या होगा, सिर पीटना। चलिए आगे देखते हैं, दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है, गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी और पीछे पड़ना। ओके, आपके दिए हुए चार ऑप्शन, तो क्या जाएगा, गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी के मतलब क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती, इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट आते हैं, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पे पत्थर रखने का सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, कलेजे पे पत्थर रखना। तो देखिए अब दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, तो कलेजे पर पत्थर रखने का बताओ, कलेजे पर पत्थर रखना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है दिल बड़ा करना, जी कड़ा करना और भारी पत्थर कलेजे पर रखना, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, जी कड़ा करना, जी कड़ा करना, आंसर सी होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चुलू भर पानी में डूब मरना, चुलू भर पानी में डूब मरना, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा दिया है हमें। देखिए पहला ऑप्शन है चुल्लू में पानी भरकर डूब जाना, शर्मिंदा होना, कायर बनाना और बेशर्म होना, बेशर्म होना। ओके, तो क्या होगा, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, इसका आंसर है बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है चादर देखकर पांव फैलाना, चादर देखकर पांव फैलाना। ओके, तो देखिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आय के अनुसार बाई करना, आय के अनुसार क्या करना, बाई करना, मतलब जितना आपका आय हो उसके अनुसार आप खर्च करेंगे, जितना आपका आय रहेगा, इनकम रहेगा, उतने आप खर्च करेंगे, इसका आंसर बी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, घाव पर नमक छिड़कना, घाव पे जख्म पे क्या होता है, नमक छिड़कना। ओके, तो पहला ऑप्शन है दुखी व्यक्ति को दिलासा देना, कष्ट को और बढ़ाना, बीती बातें याद करना, घाव के ऊपर नमक छिड़क देना। ओके, घाव के ऊपर क्या करना, नमक छिड़क देना। तो देखिए दोस्तों, कष्ट को और बढ़ाना, कष्ट को और बढ़ाना, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना, क्या ऑप्शन क्या दिया है, गागर में सागर भरना का अर्थ बताना है, कम विचार करना, गागर में सागर को भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, अधिक शब्दों में अधिक विचार, अधिक शब्दों में अधिक विचार। ओके, तो क्या थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पीटना, क्या दिया है, ढोल पीटना, मुहावरा क्या दिया है, ढोल पीटना, ढोल को पीटना, ढोल पीटकर बताना, ढोल पीटकर बताना। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी एंड डी देखते हैं, ऑप्शन सी एर डी देखते हैं। तो ऑप्शन सी एर डी का दिया है, गाने के साथ ढोल बजाना, गाने के साथ ढोल बजाना। ओके, और बात को प्रचारित करना,
बात को प्रचारित करता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बात को प्रचारित करना, इसका आंसर डी होगा। ओके, बात को प्रचारित करना आंसर डी होगा। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, कड़वा घूंट पीना, क्या बोला है, कड़वा घूंट पीना, कड़वा घूंट पीना। ओके, किसी को कड़वा पानी पिलाना, चुपचाप अपमान सहना, अपमान करना, कड़वा पानी पीना, कड़वा पानी पीना। ओके, चुपचाप अपमान सहना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चुपचाप अपमान को सहना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, तो मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, दुख देना, दली हुई मूंग को छाती पर रखना, छाती से मूंग पीसना और सुख देना, क्या देना, सुख देना। ओके, क्या होगा, दुख देना होगा, छाती पर मूंग दलना मतलब क्या होता है, दुख देना। ओके, इसका आंसर आपका ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तलवार सर पर लटकी रहना, तलवार सर पर लटकी रहना, इसका आपको अर्थ बताना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, भयंकर खतरा पर बने रहना, भयंकर खतरा बने रहना, इसका आंसर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, कुएं का मेढक, बहुत सारे आपको मुहावरा जो मिल रहे हैं सुना सुना है आपको, है ना, जान परिचय वाला आपका मुहावरा है, है ना। नेक्स्ट जो मुहावरा दिया है आपका, कुएं का मेढक होना, नहीं बोलता कुएं का मेढक है, किसको क्या पता है दुनिया क्या है नहीं है, है ना, तो क्या कुएं का मेढक होना। ओके, ज्ञानी, सीमित ज्ञान होना, मूर्ख, कुएं के अंदर रहने वाला मेढक। ओके, तो क्या हो जाएगा, सीमित ज्ञान होना, सीमित ज्ञान होना। ओके, आंसर बी होगा। 68 में बोला है आग में घी डालना, आग में घी डालना। ओके, आग में क्या करना, घी डालना, इसका क्या होगा, क्रोध को और भड़काना, क्रोध है जो गुस्सा में गुस्सा है उसको और भड़काना, मतलब आग में घी डालना, इसका आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 हो गया हमारा, अब देखते हैं 69 देखते हैं। ओके, चलिए दोस्तों 69 देख रहे हैं, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, ये मुहावरा दिया है आपको, अंग अंग ढीला होना। ओके, इसका आपको अर्थ बताना है मुहावरे का। ओके, तो निराश होना, हार जाना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक थक जाना, थक जाना। ओके, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या बोल रहा है, जो दिया हुआ है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, उड़ना ये दिया हुआ मुहावरा, इसका आपको अर्थ बताना है, प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगना, निश्चित होना और घबरा जाना, क्या होना, घबरा जाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घबरा जाना, आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 71, लाल पीला होना, लाल पीला होना, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, बीमार होना। ओके, तो क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना, लाल पीला होना, आपका आंसर ए हो जाएगा। एड़ियां रगड़ना, क्या दिया है, एड़ियां रगड़ना। ओके, इसका क्या हो जाएगा, एड़ियां साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना और परेशान करना, परेशान करना। ओके, तो परेशान, परिश्रम करना, एड़ियां रगड़ना मतलब, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिश्रम करना, आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना। ओके, ये आपको दिया है, सब दिया है, मुहावरा का अर्थ आपको बताना है, अजीब अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग का चक्कर, दिन काटे ना काटना, दिन काटे ना काटना। ओके, तो देखिए दोस्तों इसका भाग्य का चक्कर, भाग का चक्कर होगा, इसका आंसर सी होगा। अगला देखते हैं 74 में, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पे पैर रखना। ओके, इसको बताना आपको, अर्थ बताना मुहावरे का, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना। ओके, तो देख उसका दिखे दोस्तों क्या होगा, जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना, इसका आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 देखते हैं। ओके, 74 में अब क्या बोलता है, तो 75 देखेंगे, 74 हो गया, 75 देख रहे हैं। ओके, गुल्लर का फूल होना, एक क्वेश्चन रिपीटेड, एक को देखिए क्वेश्चन बार फिर पूछा है, ये यूपीएससी में पूछा था, यूपीएससी एग्जाम में 2018 में पूछा क्वेश्चन था, और आपका एसएससी जीडी में भी सेम क्वेश्चन पूछा, गुल्लर का फूल होना। ओके, चलिए देखते हैं, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु और सुगंधित होना।
ओके, इसका आंसर क्या होगा, दुर्लभ वस्तु, गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु, आंसर सी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला है, जूतियों जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना इसका अर्थ बताना आपको। ओके, जूतियों में दाल बांटना, पहला ऑप्शन दिया हुआ है साफ इनकार करना, बांधा बांधा पैदा करना, है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना और उपाय करना। ओके, देखिए दोस्तों इसका जो होगा ना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतियों में दाल बांटना हो जाएगा, आंसर सी होगा आपका, आंसर सी होगा। नेक्स्ट 74 बोला है पापड़ बेलना, पापड़ बेलना इसका अर्थ क्या होगा, पापड़ बेलना इसका अर्थ क्या होगा, पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना और कठिन काम करना, कठिन काम करना। ओके, पापड़ बेलना। ओके, तो इसका आपका करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, बेकार जीवन बिताना। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, माथा ठनकना, माथा ठनकना। ओके, माथा ठनकना, चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना और चिंता करना, संशय होना और चिंता करना, 78 इसका आंसर क्या होगा, संशय होना, संशय होना इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है, क्या दिया है, पो बारह होना, पो बारह होना, पो बारह होना। ओके, पो बारह होना, प्रिय वचन बोलना, हार जाना, खूब लाभ होना और बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, खूब लाभ होना। ओके, आंसर सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन जो है 80 है, 80 है, मुहावरे के सही युग्म का चयन करें, मुहावरे का सही युग्म का चयन करना है, आँख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना। ओके, घमंड से चूर होना ये पहला दिया है। ओके, पहला ऑप्शन दिया गया, सेकेंड और थर्ड देखते हैं, सेकेंड थर्ड में है ना, आग लगना, धोखा देना, आँख दिखाना, सुख होना, आँख बिछाना, गुस्से में आना, ये सारे जो दिए हुए हैं ये सही नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। तो जो आपका ऑप्शन जो दिख रहा था ऑप्शन ए, ये आपका क्या है, सही है, आँख में चर्बी छाना मतलब घमंड से चूर होना, इसका आंसर आपका ए होगा, आँख में चर्बी छाना, घमंड होना, घमंड में चूर होना। नेक्स्ट हैं क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जैसे चुल्लुओ चुल्लुओ लहू पीना, ठीक है, चुल्लुओ लहू पीना, इसका जो दिया हुआ चार ऑप्शन, ओके, इसका हुआ जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, बहुत कष्ट देना और मौत की तैयारी करना, मौत की तैयारी करना, तो बहुत कष्ट देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्रोध से लाल होने का होने वाला, ठीक है, क्रोध से लाल होने वाला, अंगूठा दिखाना, कंचन बरसना, आँख खुलना, आग बबूला होना। ओके, तो क्या होगा, आग बबूला होना, आंसर इसका डी होगा। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, ओके, इसका बताना है, उल्टी गंगा बहाना ये दिया हुआ है, तो उल्टी गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाना, गंगा उल्टा बह जाना, अनुकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, क्या जगह इसका आंसर, प्रतिकूल कार्य मतलब उल्टा काम करना, आंसर डी होगा। गिद्ध भबकी नहीं सुनते हैं आप, गिद्ध भबकी दे रहे हैं, है ना, तो ऐसे में इसका जो ऑप्शन दिया है, धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी और अपशब्द कहना, अपशब्द कहना, ओके, तो झूठी धमकी, गिद्ध भबकी, आंसर सी होगा। 85 देखते हैं, तो 85 वाला, उस विकल्प का चयन करना है जिस करो जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ है, मुट्ठी गर्म करना, क्या दिया है, मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, इसका क्या होता है, मुट्ठी गर्म मतलब रिश्वत देना, इसका आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 85 हो गया, अब देखते हैं 86 देखते हैं। ओके, 86 बोल रहा है भार झोंकना, भार झोंकना, ऑप्शन दिए हुए हैं, समय व्यर्थ होना, गालियां देना, बहुत शर्म करना और हमला करना, हमला करना, समय व्यर्थ खोना, भाड़ झोंकना। ओके, आंसर ए होगा। 87 में दिया है कि नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना और इशारा करना,
चार ऑप्शन दिए हुए हैं 87 का, है ना। तो इसका घृणा करना क्या हो जाएगा आंसर, घृणा करना, नोक नाक भौं सिकोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं 88 में क्या दिया है, रंग लाना, रंग लाना इसको बताना आपको, ठीक है। परिवर्तन होना, धाक जमाना, प्रभाव उत्पन्न करना और प्रोत्साहित होना, प्रोत्साहित होना। तो प्रभाव उत्पन्न करना, प्रभाव उत्पन्न करना आंसर इसका सी होना। दहिना हाथ होना, दहिना हाथ होना, धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना और चापलूसी करना, चापलूसी करना, ठीक है। तो बहुत बहुत सहायक होना, बहुत सहायक होना, दहिना हाथ होना आंसर सी होगा। हाथ पैर मारना क्या दिया है, हाथ पैर मारना इसका आपको अर्थ होता है छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना और प्रयत्न करना। क्या करना, प्रयत्न करना, इसका आंसर क्या होगा, डी प्रयत्न करना, मेहनत करना, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, है ना। 91 का बताना है मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, है ना। 91 का तो 91 में क्या दिया है, आफत सिर पर लेना, आफत सिर पर लेना, ओके। झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना, समस्या का सामना करना, ओके। क्या होगा, झगड़ा मोल लेना, आफत सिर पर लेना मतलब झगड़ा मोल लेना। अगला देखते हैं 92 में, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में क्या करना, तीर चलाना, इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ शर्म करना और लक्ष्य विहीन प्रयास करना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, इसका आंसर क्या, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, अंधेरे में तीर चलाना आंसर डी होगा। अब आगे देखते हैं, मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना, ओके। आकर्षित करना, विश्वासघात करना, आतंकित होना और लालच देना, क्या करना, लालच देना, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, विश्वासघात करना आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 देखते हैं, गाल फुलाना, रूठना, हंसी मजाक करना, शिकायत करना और प्रसन्न होना, क्या प्रसन्न होना, तो रूठना, मुंह फुलाना, गुस्सा होना मतलब मुंह फुला लेना, रूठना। 95 में है, है ना, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, आपको बताना है उसमें सुमेलित नहीं है, ओके। चार दिए हुए हैं ऑप्शन, है ना। पहला दिया है कलम ना रुकना, लिखते ही रहना, कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, लिखने की नौकरी देना, कलम ना उठ सकना, लिख ना सकना, ठीक है। तो इसमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है आपको, ठीक है, वो देखना आपको, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये वाला सुमेलित आपका है, ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका कलम का सही, कलम को तोड़ने वाला, ये आपका गलत दिया हुआ है, ओके, ये आपका गलत दिया हुआ है। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, कलम ना उठ सकना, लिख ना सकना, ठीक है, ये सारे सही हैं, लेकिन ये क्या गलत है, है ना। पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर जो हुआ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 95 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 96 दिया है, पानी फेर देना, क्या बोला है, पानी फेर देना, ओके। जवाब ना देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना और बिगाड़ देना, है ना। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ओके। तो क्या दिया, पानी फेर देना, पानी फेर देना, तो इसका क्या जाएगा, बिगाड़ देना, इसका आंसर आपका डी होगा। चलिए 96 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 97 की, और 97 में क्या बोल रहा है, तो 97 यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोला है इसका, तो तिराग चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, इसको बताना आपको, है ना। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, बेतुकी बातें करना, बेतुकी बातें करना, ओके। बुरी राय देना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण और घबराना, क्या घबराना। तो यार पंडित के घर में मूर्खता की बात आचरण, ये आपका आंसर सी हो जाएगा, चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट देखते हैं, फट पड़ना, फट पड़ना इसका बताना है 98 का, ओके। एकदम गुस्से में हो जाना, बिखर जाना, अचकित होना, पिघल जाना, पिघल जाना, फट पड़ना, ओके। क्या हो जाएगा, एकदम गुस्से में हो जाना, एकदम गुस्से में हो जाना, 98 का ए हो जाएगा। मुंह पकड़ना, मुहावरा का सही अर्थ बताना है आपको, मुंह पकड़ना, लज्जित होना, लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने ना देना, प्यार जलाना, जताना, प्यार
जताना, ओके, कहेगा बोलने ना देना, मुंह पकड़ना मतलब बोलने ना देना, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, लाभ के स्थान पर हानि। सेकेंड ऑप्शन है घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, अत्यधिक कंजूस, अत्यधिक कंजूस। तो इसमें क्या होगा, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, इसका आंसर आपका होगा सी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर आपको पैर पसारना ये दिया हुआ है, है ना, इसको बताना है। ठंड के समय चादर ओढ़ना, व्यय से अधिक आय अधिक करना, बिना परिश्रम के पैसा कमाना, आय से अधिक व्यय करना, ओके। तो इसका हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना, इसका आंसर आपका होगा डी हो जाएगा, ओके, आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, तो 102 में बोल रहा है, 102 यहाँ देखेंगे तो इसमें 102 में बोल रहा है फूल झड़ना, क्या दिया है, फूल झड़ना, ओके, क्या दिया है, फूल झड़ना। तो प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना और हल्की बातें बोलना, हल्की बातें बोलना। तो कह रहा प्रिय वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, फूल झड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, 103 में बोला हथेली पर सरसों उगाना, है ना, इसका मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, हथेली पर सरसों उगाना, ओके। खेती करना असंभव काम को संभव बनाना, है ना, लड़ाई करना और भाग जाना, आपका आंसर सी होगा, असंभव कार्य को संभव करना, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाथ मलना, पछताना, संकल्प करना, वीरता दिखाना और व्यायाम करना, ओके, क्या होगा, पछताना, हाथ मलना, इजी था। नेक्स्ट है हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, ओके, तो क्या हो जाएगा, तेज उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, तेज गति से चलना, तेज गति से चलना, आंसर का डी होगा। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना, ओके, ये दिया हुआ मुहावरा का आपको अर्थ बताना है, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद लूटना, दरिद्रता में आनंद लूटना, इसका आंसर ए डी, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है सी गुफा खिलाना, सी गुफा खिलाना, देखिए सी गुफा खिलाना, है ना, तो क्या हो जाएगा, विलक्षण घटना का घटित होना, आंसर आपका ए होगा, ओके, ये सारे नहीं होंगे, आपका आंसर ए हो जाएगा, विलक्षण घटना का घटित होना, सी गुफा खिलाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, 108 क्या बोलता है, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है कान भरना, कान भरना, चुगली करना, बदनाम करना, सावधान करना और प्रभावित करना, तो आपका क्या हो जाएगा, चुगली करना, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है गागर में सागर भरना, पहला जो ऑप्शन है थोड़े पैसों में बहुत कुछ खरीद लेना, थोड़े पैसों में क्या है, बहुत कुछ खरीद लेना। नेक्स्ट है आपका, है ना, छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, और थोड़े में बहुत कुछ कहना, ओके, थोड़े में बहुत कुछ कहना है, इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ करना है, कहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है भेड़ बना लेना, ओके, क्या हो जाएगा इसका, वश में कर लेना, इसका आंसर आपका ए होगा। पांव उखाड़ना एक क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ओके, तो क्या होगा, हार कर भाग जाना, इसका आंसर ए होगा। नाक कटना, इसको बताना है, चोट लगना, हतोत्साहित होना, बदनामी होना और परेशान होना, ओके, क्या होगा, बदनामी होना, आंसर इसका सी होगा, ओके, आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। 112 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं छठी का दूध याद दिलाना, है ना, तो पहला ऑप्शन है घोर संकट में फंसना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना और अत्यंत प्रसन्न होना, ओके, घोर संकट में फंसना होगा, छठी का दूध याद आना मतलब घोर संकट में फंसना, इसका आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना इसको देखना है, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन यह एक एक पर एक होना, एक तरकस के तीर होना, एक ढेले से दो चिड़ियाँ मारना और एक थैली के चट्टे बट्टे होना, है ना। तो 114 किसका कहा जाएगा, एक ढेले से दो चिड़ियाँ मारना, एक ढेले से दो चिड़िया को मारना, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट वक्त देखते हैं आंखें चुराना, क्या दिया है, आंखें चुराना। ओके, प्यार होना, विमुख होना, नाराज होना और अनदेखा करना, अनदेखा करना, किसका होगा डी आंसर, अनदेखा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना, सहायता करना, व्यर्थ समय खोना, आग जलाना और काम करना, काम कर, ओके काम कर, तो क्या हो जाएगा व्यर्थ काम, व्यर्थ क्या होगा, व्यर्थ समय खोना, भाड़ झोंकना, इसका आंसर बी होगा। एक क्वेश्चन भी रिपीटेड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना, ओके मूर्ख होना, बात पक्की होना, कठोर होना और नकल करना, नकल करना, ठीक है। तो क्या होगा, बात पक्की होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, पत्थर का लकीर होना मतलब बात को पक्की होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। आंखों में सरसों फूल, आंखों में सरसों फूल, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है विवेक ना होना, आदर भाव घट जाना, गुस्से में आंखें लाल होना, धोखा देना, क्या देना, धोखा देना। तो विवेक ना होना इसका आंसर होगा, विवेक ना होना आंसर ए होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 क्या बोलता है, है ना। तो 119 बोल रहा है हथियार डालना, हथियार डालना, ओके विजयी होना, लड़ाई करना, पराजय स्वीकार करना और शत्रु को मारना, शत्रु को मारना। तो पराजय स्वीकार करना, हथियार डालना मतलब पराजय स्वीकार करना, हार स्वीकार करना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ और निकली क्या, चूहिया, ओके। तो यहाँ देखिए अटपटा काम करना, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, बिना बल कोई काम करना और दिखावा ही दिखावा करना, ओके क्या हो जाएगा, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं कमर कसना, क्या दिया है, कमर कसना, ओके हौसला हारना, तैयार होना, सहारा देना, दर्द होना, ओके क्या हो जाएगा, तैयार होना, कमर कसना मतलब तैयार होना, इसका आंसर बी होगा। चारपाई पकड़ना, चारपाई पकड़ना का इसका अर्थ बताना है, निश्चित हो जाना, दुख देना, बीमार होना, उत्तेजित होना, उत्तेजित होना, ओके। तो चारपाई पकड़ना मतलब बीमार होना, नहीं होता लेट जाता चारपाई पे, इसका आंसर सी हो जाएगा। चटनी हो जाना, चटनी हो जाना इसको बताना है, बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना और पिस जाना, ओके। तो इसका होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, बहुत जल्द क्या होता है, खर्च हो जाना, ओके इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 124, मन मैला करना, मन मैला करना, ओके मन मैला करना क्या हो जाएगा, इसका खीन होना, खीन होना, आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 देखते हैं, 125 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोल रहा है। तो 125 बोल रहा है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ठीक है डेढ़ चावल का खिचड़ी पकाना, ओके। तो इसका अगर देखते हैं आंसर का, आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा बहुमत से अलग रहना, बहुमत से अलग होना रहना, इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। कुछ कर जाना, कुछ कर जाना, है ना। तो क्या हो जाएगा, मर जाना, चले जाना, कुछ कर जाना, मर जाना चले जाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 127 देखते हैं उल्टे पांव लौटना, उल्टे पांव लौटना, उल्टे पांव लौटना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, निराश लौटना, निराश लौटना, इसका आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है 128, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, ओके। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, हवाई जहाज से किले बनाना, हवा में किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना और हवा से किले बनाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मात्र कल्पना करते रहना, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है 129,
सांप छछुंदर की गति होना, ओके ये बताना सही इसका। तुरंत भाग जाना, गुपचुप हो जाना, असमंजस की स्थिति होना, विस्तृत अनुभव होना, क्या होगा, असमंजस की स्थिति हो जाना, होना इतना, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुरु घंटाल होना है ना, तो अयोग्य होना, मूर्ख हो गया यहाँ पे, मूर्ख होना, आलसी होना और बहुत धूर्त होना, इसका आंसर क्या होगा, बहुत धूर्त होना, गुरु घंटाल होना, इसका आंसर डी होगा। ओके तो 130 हो गए, अब नेक्स्ट देखते हैं 131 देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 131 बोल रहा है ना, रास्ता देखना 131 बोल रहा है, रास्ता देखना परेशान करना, निराश होना है ना, मूल्यांकन करना, प्रतीक्षा करना, तो क्या होगा, प्रतीक्षा करना, आंसर डी होगा। भागीरथ प्रयास करना है ना, अथक प्रयत्न करना, आंसर इसका ए होगा। आगे देखते हैं छप्पड़ फाड़ कर देना, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। ओके, बिना प्रयास प्राप्त होना, जवाब देना नहीं देना जवाब है ना, विवाह करना और अप्रत्याशित हानि होना। ओके तो बिना प्रयास प्राप्त होना, आंसर इसका ए होगा। आंखें नीची होना, ओके, लज्जित होना, आंसर डी। बखिया उधेड़ना है ना, तो क्या होगा, भेद खोलना, इसका आंसर बी होगा। मुंह में ठेपी देना है ना, इसका अर्थ क्या होगा, ओके क्या हो जाएगा इसका, कुछ ना बोलने देना, मुंह को बंद करना, मुंह में ठेपी देना मतलब कुछ बोलने नहीं देना, ठीक है, कुछ ना बोलने देना। नेक्स्ट है 137 में है ना, प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए है ना, इसका बताना, प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए, इसका आपको अर्थ बताना है ना, मुहावरा का अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, जल्दी से कार्य करना, किसी को कार्य करने को देना है ना, कार्य करने में आलस करना, अच्छी तरह सोच कर करना है ना, क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से सोच करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी। अगला देखते हैं 138 है, जी को रोग लग जाना, ओके, फिक्र में रहना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139, चूना लगाना, क्या बोला है, चूना लगाना, ये मुहावरा का अर्थ होता है, प्रसन्न करना, धोखा देना, पान खिलाना और चोरी करना, ठीक है। तो क्या बोला है, चूना लगाना मतलब क्या होगा, धोखा देना, आंसर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, गर्दन उठाना, क्या दिया है, गर्दन उठाना, ओके तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बताना, मुहावरे का अर्थ बताना आपको, गर्दन उठाना है ना, विरोध करना, आंसर बी। आगे देखते हैं पो बारह होना, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है ना, पो बारह होना है ना, इसका क्या हो जाएगा, खूब लाभ होना, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आँख खुलना, ओके तो इसका क्या हो जाएगा, सावधान होना, आँख खुलना मतलब सावधान हो जाना, आंसर सी। सब्ज बाग दिखाना, ओके तो हरियाली दिखाना, दशा सुधारना और अपना सपना सुनाना है ना। फिर नेक्स्ट है आपका 43 का डी ऑप्शन जो है, नेक्स्ट है आपका 43 का अच्छी अच्छी बातें कहें बहकाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, ओके। अगला देखते हैं 144 देखते हैं, विष उगलना, इसको बताना है, ओके विष उगलना बताना आपको, तो क्या हो जाएगा इसको, द्वेषपूर्ण बात करना, आंसर इसका डी होगा। 145 देखेंगे तो क्या बोला, गर्दन उठाना, इसको बताना है इसका अर्थ, गर्दन उठाना, ओके क्या हो जाएगा, विरोध करना, आंसर बी होगा। चादर से बाहर पैर पसारना, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है,
ओके, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, दो तीन बार रिपीट हुआ है, आय से अधिक बाय करना, इसका आंसर डी है। आगे देखते हैं, कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना है ना, मन में शांति होना, मन में शांति होना, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 है ना, आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आपका आंसर क्या गया, 48 का ए अगर देखेंगे है ना, तो पान पर ही खिलाना, इसका आंसर ए होगा है ना। तो कितना हो गया, 148 क्वेश्चन हो गया है ना। तो देखिए दोस्तों, अभी तक कितना क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है ना, तो आज बस इतना ही करते हैं। 148 क्वेश्चन बहुत है आप लोग को करवाया गया है ना, इसको आप रिवीजन कर लीजिए एग्जाम से पहले, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, बहुत क्वेश्चन आपको ऐड ही लगेगा मुहावरे बारे में। ठीक है, तो इसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लें, आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में है ना। पिछले क्लास अगर आप देखे नहीं है तो आपको सामान्य हिंदी में अशुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे अभी चल रहा है, इसके साथ रीजनिंग का भी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप वहाँ रीजनिंग भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी सारे देख रहे हैं, एग्जाम से पहले फटाफट आप रीजन करके इसको निपटा सकते हैं है ना, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। तो आज के बस इतनी करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।